दिग्गज सोशल मीडिया नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ट्विटर को खरीदने का सौदा पूरा होने के कुछ समय पहले एलोन मास्क ने इस सौदे की वजह बताई थी। मास्क के मुताबिक उन्होंने ट्विटर को अधिक पैसे बनाने के लिए नहीं बल्कि मानवता की मदद करने के लिए खरीदा था। लेकिन ये बात कितनी सच है या झूठ है ये तो समय ही बताएगा। हालांकि सौदे का मास्क के नेटवर्क पर तगड़ा झटका दिख रहा है। दुनिया के टॉप अरबपतियों की सूची ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक इस सौदे ने उनकी नेटवर्क $1,000 करोड़ घटा दी है। तो हम इस सौदे को समझने के लिए समय में कुछ पीछे चलते हैं। जब ट्विटर को अप्रैल में मास्क ने खरीदा था, इसके तहत मास्क $54.20 करोड़ के भाव पर शेयर खरीदने का सौदा किया था। यह सौदा अप्रैल में हुआ था और अब इसके 6 महीने बाद मास्क का ये ऑफर महंगा सौदा लग रहा है, क्योंकि आर्थिक अनिश्चितता और ब्याज दरों की बढ़ोतरी के चलते मार्केट स्पेकुलेशन और विज्ञापनों पर खर्चा नेगेटिव तौर पर प्रभावित हुआ है और सोशल मीडिया कंपनियां क्रेश कर गई है। और मैं अब आपको एक इंडेक्स के बारे में बता रहा हूँ जिसके बारे में शायद ही आपने सुना होगा। यह है लिस्टेड इंडेक्स। लिस्टेड सोशल मीडिया कंपनियों के प्रदर्शन को ट्रैक करने वाला सोशल एक्टिव सोशल मीडिया इंडेक्स ये करीब 40% फिसल चुका है। ब्लूमबर्ग वेल्थ इंडेक्स में ट्विटर की वैल्यू में गिरावट दर्ज की गई है और इसी प्रकार मस्क की नेटवर्क भी फिसल गई है। और मैं बता दूं कि ट्विटर के निवेशकों में सिर्फ मस्क की ही नहीं बल्कि इसके को फाउंडर जैक डोर्सी और प्रिंस अलवलिद की भी नेटवर्थ गिरी है। इनमें से जैक की नेटवर्थ $38 करोड़ और प्रिंस की $64 करोड़ कम हुई है। ये तो आप समझ सकते हैं कि हर सौदे में एक को नुकसान तो दूसरे को फायदा होता है। मस्क ने ट्विटर को खरीदने के लिए $54.20 के भाव पर सौदा किया था। अब ऐसे में जो निवेशक अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं उन्हें न सिर्फ 20% प्रीमियम यानी मुनाफा मिल रहा है बल्कि सोशल मीडिया कंपनियों के क्रेश होने के चलते वैल्यू पर नेगेटिव असर से भी बचे हैं। और इसके चलते ब्लूमबर्ग वेल्थ इंडेक्स के मुताबिक मस्क की नेटवर्थ में $1,000 करोड़ की गिरावट के बाद इस साल 2022 में अब तक उनकी संपत्ति $6,600 करोड़ घट चुकी है। मस्क के दिग्गज इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी कंपनी टेस्ला के शेयर इस साल 35% फिसल चुके हैं। हालांकि शेयरों में गिरावट की एक वजह निवेशकों का ये डर भी है कि ट्विटर को खरीदने के लिए मस्क अपनी